आप कब से यहाँ भर्ती हैं? हाँ यहाँ पे खाने की सुविधा कैसी है? अच्छे खाना। अच्छा, और यहाँ के स्टाफ सब लोगों का अभी ठीक लग रहा है आपको? परेशानी डॉक्टर साहब ने देख लिया आपको, क्या छुट्टी के लिए कह दिया? हाँ, छुट्टी के लिए कह दिया, आराम हो गया है आपको। हाँ, अब आपको आराम हो गया। अब घर जाके भी आप क्या बातों का ध्यान रखोगे? अभी भी आपको आइसोलेट रहना है, हाथों की सफाई करनी है और मास्क लगाना है, ठीक है, और पूरी जो दवाइयां हैं वो खाना है और आइसोलेशन का पालन करना है घर पे भी। अपन स्वस्थ हो गए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। अर्जुन कहाँ रहते हो? ये नागदा। नागदा में कहाँ रहते? बादीपुरा। बादीपुरा निवासी जी, बिल्ला गांव। अभी कहाँ पे भर्ती हो? अस्पताल में। नागदा, नागदा दीपा हॉस्पिटल में। नागदा दीपा हॉस्पिटल, ठीक है। यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं कैसी है? बढ़िया है मैडम। खाना वाना मिलता है? मिलता है ना। नाश्ता खाना समय पे आप कर पाते हो यहाँ पे? सुविधाजनक है? सुविधा बिल्कुल अच्छी है। यहाँ की सेवाएं ठीक है? बढ़िया है। अभी आपका डिस्चार्ज हो गया है? हाँ। आज कैसा महसूस कर रहे हैं? बढ़िया मैडम। अब यहाँ से जाने के बाद भी आपको आइसोलेशन के नियमों का पालन करना है, दूसरों से अभी कुछ समय, कुछ हफ्ते भर नहीं मिलना है, हाथ धोते रहना है, मास्क कंटिन्यू रखना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है, ठीक है। बहुत बहुत बधाई हो। क्या नाम है भाई साहब आपका? भरतलाल चौहान। कब आए थे आप यहाँ पर? करीब लगभग 8 तारीख को आया था। क्या हो रहा था जब आए थे तब? मेरी ऑक्सीजन कमी हो गई थी। कितना हो गया था ऑक्सीजन? लगभग 75 ही था सर। 75-75% ऑक्सीजन था जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं सलवा का रहने वाला हूँ। सलवा किधर आ जाता है? ये तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन। अच्छा, बड़नगर तहसील, जिला उज्जैन का सलवा के रहने वाले हैं आप जी। तो अभी यहाँ पे अभी कैसा लग रहा है आज? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और स्टाफ भी बहुत बढ़िया है, यहाँ की व्यवस्था बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, मतलब डॉक्टर भी अच्छे हैं कुल मिलाकर। और आराम मिला, राहत भी मिली मुझे, किसी बात की कोई कमी नहीं। आज छुट्टी हो रही है आपकी जी? तो घर पे भी ऐसे ही अपने को अलग रहना है अभी 5-6 दिन और, और मास्क लगा के रखना है और जो एक्सरसाइज बताई है वो फुलाने की और उल्टा सोने की वो करते रहेंगे आप जी। आप स्वस्थ होके जा रहे हैं, बधाई है आपको जी। मैं सारी टीम को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने अच्छे केयर करा और सभी मरीजों के साथ में अच्छे केयर करते हैं, कोई परेशानी नहीं आ रही किसी बात। धन्यवाद, धन्यवाद। अच्छा, अभी कैसा लग रहा है? ठीक है, अभी बढ़िया है। आराम लग रहा है अभी? आराम भी बढ़िया है। आज छुट्टी हो रही है आपकी? आज छुट्टी हो रही है, व्यवस्था भी बहुत बढ़िया हुई। 24 घंटा में 10-10 मिनट में समा रहे, देखना आए थे सब लोग, खाना वगैरह सब बढ़िया था? बढ़िया है, और पास में खड़े रह के चेक किए। अच्छा अच्छा, तो अपने को है ना घर पे भी मास्क लगा के रखना है और कमरे में रहना है अलग, हाथ धोना, दूरी बना के रखना। बिल्कुल सही है। धन्यवाद। शारदा शर्मा। शारदा शर्मा, कब भर्ती हुए थे? 13 तारीख। क्या तकलीफ हो रही थी? बुखार आ रहा था। अच्छा, और बुखार आ रहा था और सांस चल रही थी? हाँ, शुगर बढ़ी हुई थी। अभी आज कैसा लग रहा है? आज अच्छा लग रहा है। आज छुट्टी हो रही है आपकी? हाँ। यहाँ पे कैसा रहा व्यवस्था? बहुत अच्छी व्यवस्था रही, बहुत अच्छा साथ दिया आप लोगों ने, हाथ निकाल लाए मौत के मुंह से। यही मौत के मुंह से तो भगवान बाहर निकाल के लाता है। आप ही भगवान हो अभी नहीं, हम लोग तो आपके बच्चे हैं, आपका ध्यान रखा। अभी घर पे छुट्टी हो रही है, घर पे मास्क लगा के रखना है अपने को, ठीक है। धन्यवाद सर। क्या नाम है आपका? शैलेन्द्र चौहान। शैलेन्द्र भैया, कहाँ रहते हो आप? यहाँ कब भर्ती हुए थे? 7 तारीख को भर्ती हुए थे। क्या तकलीफ हो रही थी? हमारे को सीने में और सर दर्द हो रहा था और बहुत ज़्यादा लंबी लंबी सांसें चल रही थी। उस समय कितना ऑक्सीजन था कुछ याद है आपको? हमारा 75% था। 75% ऑक्सीजन था। अभी छुट्टी हो रही है, अभी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी आज छुट्टी होकर जा रहे हैं आप, और यहाँ कैसी व्यवस्था रही है आपकी? बहुत ही अच्छी व्यवस्था। इलाज वगैरह कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। खाना पीना? बहुत अच्छा, तभी कुछ बढ़िया रहा। तो आज आप स्वस्थ होकर घर जा रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको शुभकामनाएं।
घर पे भी अपने को मास्क लगा के रहना है और दूरी बना के रखना है। ठीक है सर, धन्यवाद। केंद्र चौहान, लोकेन चौहान, कब भर्ती हुए थे आप? 8 तारीख को। क्या तकलीफ हो रही थी? सीने में सांस लेने में तकलीफ थी। अभी कैसा लग रहा है आपको? स्वस्थ एकदम, राइट। आज छुट्टी हो रही है आपकी? हाँ। ठीक है, बहुत सारी बधाई आपको। यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी रही? बहुत बढ़िया, सभी ने बहुत सेवा करी। जितने भी यहाँ के जितने भी सदस्य हैं सब बहुत अच्छी सेवा करते हैं और आगे भी भगवान से यही दुआ है कि अच्छी सेवा करें, अच्छा सेवा करें। धन्यवाद धन्यवाद। आज आप छुट्टियों के घर जा रहे हैं, आप घर पे अपने को अलग रहना है, मास्क लगा के रखना है, हाथ धोते रहना और दूरी बना के रखना है। धन्यवाद। आज हमारे आइसोलेशन वार्ड से उषा जी छुट्टी होकर जा रही हैं, जिसकी हमें बेहद खुशी है। उषा जी, कैसी तबीयत है आपकी? अच्छी है। अच्छी है? हाँ। अच्छा है। लगा आपको यहाँ पे कोई परेशानी तो नहीं हुई? बहुत अच्छा लगा। कोई इलाज अच्छे से हुआ है आपका? अच्छा। दवाई गोली समय पर दी गई है? समय पर। सिस्टर लोग का व्यवहार अच्छा था यहाँ? अच्छा था। और कोई तकलीफ आई आपको? ठीक है। अभी आपको घर जाके सारी सावधानियाँ रखना है, हाथों को सैनिटाइज करना है, मुंह पे मास्क लगा के रखना है, दूसरों से दूरी बना के रखना है और अच्छे से हाथों को बार बार धोते रहना है। ठीक है। पवन, आज हमारे आइसोलेशन वार्ड से श्रीमती प्रताप देवी डिस्चार्ज होकर जा रही हैं और उसकी हम सबको बहुत खुशी है। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है आंटी? अब आपको ठीक महसूस कर रहे हैं? अच्छे से इलाज दिया गया आपको और कोई तकलीफ हो रही है अभी? ठीक है। अभी घर जाने के बाद में आपको सारी सावधानियां रखना है, मास्क लगाना है, हाथ सैनिटाइज करना है और अपने हाथों को बार बार हैंड वॉश से धोते रहना है। ठीक है। बोलिए आप। हाँ ठीक है, सब अच्छा इलाज हमारा, इसलिए हम जल्दी घर जा रहे हैं। स्टाफ का व्यवहार कैसा था आपके साथ? अच्छा रहा सारे स्टाफ। आपको यहाँ किसी चीज से परेशानी तो नहीं हुई? नहीं हुई। आप खुश हैं यहाँ से जाने से? खुश है। आप आज घर जाकर भी इनका ध्यान रखिएगा, अच्छे से सारे नियमों का पालन करिएगा। ठीक है। लोग बीमा अस्पताल से है, ये टीम हमारे साथ खड़ी हुई है। हमारे साथ मरीज है रसूलिया की, जो 11 तारीख को कोरोना से संक्रमित होकर हमारे पास आई थी। उस समय इनकी सांसें बहुत ज़्यादा खुल रही थी, ऑक्सीजन लेवल करीब 75 हो गया था और बड़ी बेहोशी की अवस्था में हमारे पास आई थी। हम लोगों ने, हमारी टीम ने इसको चैलेंज के रूप में लिया और सीमित संसाधन के बावजूद हम लोगों ने इनका ट्रीटमेंट लिया, सारी चीज़ें हमने इनके साथ की और रेमडेसिविर इंजेक्शन भी हम लोगों ने इनको यहीं पर इनके बेड पर निःशुल्क उपलब्ध कराए, आसानी से उपलब्ध कराए। आज इनकी छुट्टी हो रही है, स्वस्थ होकर जा रही है। आइए जाने मरीज के साथ कैसा क्या लग रहा है। क्या नाम है आपका? ज्योति। मैं जब आई थी जब मेरी कंडीशन बहुत ख़राब थी और उसके बाद फिर यहाँ के स्टाफ के सपोर्ट से आज मैं सबके सामने हूँ। मेरे ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम हो गया था, सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, बिना ऑक्सीजन के रह नहीं पा रही थी मैं। आज इनके सबके सहयोग से, इनके सबके ट्रीटमेंट से आज मैं सबके सामने हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला। यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, यहाँ के डॉक्टर्स वगैरह बहुत अच्छे हैं, हर 10-10 मिनट में केयर करते हैं, मरीज को जरा भी दिक्कत नहीं होने देते। आज आपकी छुट्टी हो रही है, अभी 7 दिन अपने को घर पर अलग ही कमरे में रहना है, परिवार से दूर रहना है, मास्क लगा कर रखना है तो और हाथ बार बार धोते रहना है। छुट्टी हो रही है, स्वस्थ होकर जा रहा है, भगवान की कृपा है, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद। नमस्कार, हम लोग बीमा कोविड अस्पताल नागदा से बात कर रहे हैं। हमारे साथ एक युवा हमारे मरीज है, नागदा निवासी है। ये जब भर्ती होने आए थे तब इनका SpO2 85% था और CT स्कैन में लंग्स इन्वॉल्वमेंट 55% था। एक काफ़ी गंभीर केस था, हम लोगों ने, हमारी टीम ने इसको एक चैलेंज के रूप में लिया। आज इनकी छुट्टी हो रही है, बिना ऑक्सीजन के ये 96-97% इनका SpO2 आ रहा है और किसी तरह का बुखार या सांस लेने में तकलीफ नहीं आ रही है। आइए जानते हैं कि इन अस्पताल में कैसा क्या लगा।
कैसा रहा सर यहाँ पे अभी? मेरे को बहुत अच्छा लगा, यहाँ पर सबने बहुत अच्छा उपचार करा है मेरे लिए, सारे कर्मचारियों ने बहुत अच्छा कोऑपरेट करा और अब मैं पूरी तरह से स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। जब आए तो कैसा लग रहा था आपको? बहुत बुखार था, सांस लेने में तकलीफ थी मेरे को और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बुखार था, सांस लेने में तकलीफ और बहुत ज़्यादा प्यास लगती थी, जी घबरा रहा था। जब ये आए थे तब गंभीर अवस्था में थे, हम लोगों ने इनके रेमडेसिविर शासकीय कोटे से इनको उपलब्ध कराए और आज ये स्वस्थ होके जा रहा है। हम बीमा अस्पताल इनको हार्दिक शुभकामना देता है। आपको भी घर पर ही रहना है, मास्क लगा के रहना है, कमरे में अलग रहना है, बार बार हाथ धोना और दूरी बना के रहना है, बाजार में भी बिल्कुल नहीं निकलना है। बहुत सारी बधाई आपको, धन्यवाद। हम लोग बीमा कोविड अस्पताल नागदा से बात कर रहे हैं। 10 तारीख को नागदा निवासी एक मरीज हमारे सामने आया था जब इनका लंग्स इन्वॉल्वमेंट 55% था और SpO2 भी 85-88% आ रहा था। मरीज की स्थिति बड़ी गंभीर थी और खास करके ये एक बात विशेष थी कि नागदा के किसी चिकित्सक ने इनको ये बता दिया था कि आपका लंग्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है और आप 3 दिन से ज़्यादा बच नहीं पाओगे। तो एक मानसिक रूप से भी काफ़ी हताश था हमारा मरीज, तो हम लोगों ने इसको एक चैलेंज के रूप में लिया, इनको मानसिक रूप से हमने सपोर्ट दिया, दवाएं हमने इनको उपलब्ध कराई और रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाए। आज ये स्वस्थ होकर जा रही है, पिछले 3 दिनों से बिना ऑक्सीजन के हैं ये और इनका ऑक्सीजन 96% आ रहा है, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। हम जानते हैं मरीज से कि कैसा क्या उनको यहाँ पे लगा। जब आए तब कैसा लग रहा था आपको? क्रिटिकल कंडीशन में आए थे। हाँ, क्रिटिकल कंडीशन में आए थे और यहाँ पे आके मतलब आप लोगों ने बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया, बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, बहुत अच्छे से इलाज किया और थैंक यू ऑल स्टाफ। थैंक यू। अभी कैसा लग रहा है आपको? बस बेटर। यहाँ पे सब व्यवस्थाएं बढ़िया रही थी? हाँ। खाना वगैरह बढ़िया था? हाँ, चलिए आप एक तरह से बहुत गंभीर अवस्था से बाहर निकल कर आए हैं, आपको पूरे स्टाफ की तरफ से शुभकामनाएं। अपना ध्यान रखिएगा, घर पर अभी मास्क लगा के रखना है और अलग रहना है। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद आप लोगों को भी बहुत बहुत थैंक यू। हमारे साथ में एक शिक्षक है जो कोरोना संक्रमित होकर अस्पताल में भर्ती हुए थे, सतना एम परमार जी इनका नाम है। काफी गंभीर अवस्था में यहाँ पर आए थे, ऑक्सीजन लेवल भी कम था, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। आज पूरी तरह से स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो रहे हैं आज, और बड़े खुशी की बात है, उनके स्टाफ के लिए बड़े गर्व की बात है कि जब कोई पेशेंट ठीक होने के बाद में डॉक्टर को गिफ्ट देता है। क्योंकि सत्यनारायण जी खुद एक शिक्षक है तो उन्होंने शिक्षक की महत्ता को देखते हुए एक डॉक्टर को कलम एक पेन भेंट किया है और पेन ही हमारा हथियार है। तो हम सब लोग बड़े आभारी हैं सत्यनारायण जी के, हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारी भावना को समझा और इस तरह की गिफ्ट हमें दी है। आप कुछ बताएं कैसा क्या लग रहा था यहाँ पर, कैसा क्या व्यवस्था थी? पास में सर, थोड़ा पास में तो खाने के बाद अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है, डॉक्टर अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा और बहुत नाचती हूँ और आदमी लग रहा है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद सर, वाह बहुत। अच्छा है ना, घर जाके भी ध्यान रखना है ना, तुम्हारे खाने पीने का ध्यान रखना है, मास्क भी लगा के आ सकते हैं। अरे बस इसके बाद दो